महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर विधानसभेचे आमदार कुमार आयलानी यांच्या गाडीची तोडफोड झाल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली. आमदार यांचा सुपुत्र धीरज आयलानी हा आंबे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये काही कामानिमित्त आला होता, परंतु गाडी रस्त्यावर उभी केली होती. अचानक एका तरुणाने गाडीवर दगड टाकली आणि पळ काढला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली. या घटनेनंतर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. दुसऱ्याच दिवशी सोशल मीडियावर एका तरुणीने व्हिडिओ व्हायरल करत धीरज आयलानी आणि मी गाडीत दारू पीत असल्याचे सांगत आहे आणि धीरज आयलानी याला सुरक्षा द्यावी असं तिचं म्हणणं आहे. ही तरुणी काय बोलते ऐकूया. हम सारे दोस्त बैठ के पार्टी कर रहे थे, कुछ 10 बजे होंगे. हम लोग धीरज की गाड़ी में बैक सीट पे म्यूजिक सुनते हुए दारू पी रहे थे. अचानक एक 14-15 साल का बच्चा लड़का हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ा, एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसने धीरज की गाड़ी का कांच तोड़ दिया. हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. हम लोग बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो गया. हमने हमारी गाड़ी निकाली और फटाफट वहाँ से निकल गए. धीरज के एक दोस्त ने मुझे मेरे घर पे ड्रॉप किया. लॉकडाउन के वजह से सारे होटल्स बंद है, इसके वजह से हम सारे दोस्त अब आजकल गाड़ी के बैक सीट पे ही बैठकर दारू पी रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं. ये देखकर ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा. हमें ऐसा लगता है कि धीरज को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी हो गया है. महिलांची मी रिस्पेक्ट करतो, मला जाणून बुजून बदनाम करण्यासाठी हे कोणीतरी षडयंत्र रचलं आहे. तुम्ही सीसीटीव्ही बघू शकता की मी गाडीतून उतरून आंबे स्पोर्ट क्लबमध्ये जात आहे. माझ्याबरोबर कोणीही तरुणी नाही. बदनाम करण्यासाठी विरोधकांचा डाव आहे. मी याविषयी सायबर सेलला तक्रार केल्याची माहिती धीरज आयलानी यांनी सांगितली. तर या प्रकरणी युवा उद्योजक राम वाधवा यांनीही धीरज आयलानी यांच्यावर टीका केली. हे पब्लिक सिटीजन असून पोलीस सुरक्षा मिळवण्यासाठी षडयंत्र रचत असल्याचे वाधवा यांनी आरोप केले आहे. उसका जो बेटा है धीरज, वो सारे शहर को पता है, सारे उसके दोस्तों को पता है कि ये अंडरवर्ल्ड टच है. इसके गहरे संबंध कहाँ कहाँ, कौन सी कंपनी में है. पुलिस को ये भी इन्वेस्टिगेट, उसका बैकग्राउंड टेस्ट करना चाहिए. कुमार जो है वो सारा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है कि मेरे बेटे धीरज को प्रोटेक्शन दिया जाए. जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मैंने पुलिस को ये बताया कि मेरी तरफ से आयलानी परिवार के किसी भी सदस्य को जान माल का नुकसान नहीं होगा, और उसी को देखते हुए पुलिस ने इसको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया. तो अब इसको चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन, प्लस लोगों की सहानुभूति, प्लस जो ये असक्षमता है इसकी वो दूर करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये इसने पब्लिसिटी स्टंट किया ताकि इसको पुलिस प्रोटेक्शन मिले. ये जो हमला है इसके पीछे मेन वजह ही है कि धीरज को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और वो किसी भी हद तक गिर सकता है. ये तो एक छोटा उसने किया, लेकिन मुझे तो डर है कि आगे चल के धीरज इस तरह से हमले खुद पे और भी करवा सकता है. उसके पिताजी जो आमदार के पद पे विराजमान है उनके ऊपर भी ये करवा सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं. सारे शहर को पता है ये इसका बेटा अय्याश गंजड़ी और सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता है. तो ये शराब पी के तो ये कुछ भी कर सकता है. जैसा उस दिन रात को 11 बजे ये शराब पीने बैठा था, गाड़ी में कौन था कैसे था वो सब शहर को पता चल गया. वीडियोज़ वायरल हो चुके विटनेस के, उस विटनेस के वो कहाँ थी, वो कैसे इसके साथ बैठी थी, और लड़का आता है गाड़ी का कांच तोड़ के जाता है. तो ये लोगों को क्या है कि बच्चा समझते हैं कि ये अगर लोगों को बोलेंगे कि भाई हमला हो गया तो ये लोग मान लेंगे हमला. लेकिन सारी जनता जो है ना वो कोई उल्लू नहीं है. जनता सब समझती है ये पब्लिसिटी स्टंट है, ध्यान भटकाने के लिए और पुलिस प्रोटेक्शन पाने के लिए ये कुमार आयलानी ने काम किया है. क्योंकि वो धोखादायक इमारतें के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, कोविड के लिए कुछ कर नहीं पा रहे. लोग आज डिमांड कर रहे हैं कि टाउन हॉल जो है उसको कोविड सेंटर किया जाए. तो वहाँ से लोगों को ध्यान भटकाना है, सहानुभूति चाहिए. क्योंकि ये तो खुद कहते हैं कि भगवान की कृपा से 7 लोग की मृत्यु हो गई, तो आज हम भी ये बोलेंगे कि जो इसका कांच टूटा वो भी भगवान की कृपा से टूटा. शहर में जो भी होगा वो सब भगवान की कृपा से ही होगा. आकाश साने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.